5.3 का नाइन्थ क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। इसमें आपको क्या दे दिया है, सम दे दिया है। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या देते थे आपको, लास्ट टर्म या सेवंथ टर्म ऐसे देते थे, सिक्स टर्म होगी, इसमें दे दिया आपको सम, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। दैट मीन्स एस सेवन की वैल्यू दे दी इसमें आपको, सम ऑफ फर्स्ट सेवन टर्म इज 49 एंड द 17 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 17 टर्म्स इज 289। तो एस 17 आपको दे दिया इसमें 289। और क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, एन टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है कि एन टर्म्स का सम कितना होगा। तो ये तो आपका कंट्रोल हो गया कि एन टर्म का सम होता है वो एन की फॉर्म में ही होगा। तो देखते हैं हम अब इसमें, ये आपको गिवन, तो दैट मींस आपको एस सेवन इज इक्वल टू एन बाय टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ना आपके पास डी है, ए है, और ना ही डी है। एन की वैल्यू क्या है, यहां पर एस एन लिखते थे तो एन की वैल्यू आपके पास सेवन, और एस सेवन की वैल्यू क्या है, एस सेवन की वैल्यू आपके पास 49। 49 इज इक्वल टू सेवन बाय टू इंटू टू ए प्लस सेवन माइनस वन इंटू डी। तो ये इधर आ जाएगा 49, टू ऊपर आ जाएगा 49 इंटू टू, ये मल्टीप्लाई में ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड बाय सेवन इज इक्वल टू टू ए प्लस सेवन माइनस वन सिक्स डी। ठीक है, सेवन से सेवन, सेवन जा 49, 14 इज इक्वल टू टू ए प्लस सिक्स डी। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, 14 इज इक्वल टू, या इसको एज इट इज रखो, ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो अब दूसरा इसे जो सेकंड गिवन आपको एस 17, एस 17 इज इक्वल टू 17 बाय 2 इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस 17 वैल्यू क्या आपके पास 289, ये 2 इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड बाय 17 इज इक्वल टू टू ए प्लस एन की वैल्यू क्या है 17, 17 माइनस वन इंटू डी, 17 से ये कट गया 170, 17 17 जा 289, 17 का स्क्वायर है, तो आपको हो गया ये 17 टू जा 34 इज इक्वल टू टू ए प्लस 16 डी, 17 माइनस वन 16 इंटू डी। तो सेकंड इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अब हम सेकंड इक्वेशन इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड में से हम फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आपके पास, सेकंड इक्वेशन 2a प्लस 16 डी इज इक्वल टू 34, और सेकंड ये फर्स्ट इक्वेशन क्या है 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो आपका प्लस का 2a माइनस का 2a, प्लस 16d में से माइनस करोगे 6d तो आपका आ जाएगा 10d इज इक्वल टू 20, 34 माइनस 14 आपका आ गया 20, डी इज इक्वल टू 20 बाय 10, दैट मीन्स डी की वैल्यू आ गई आपके पास 2, डी इज इक्वल टू 2, डी की वैल्यू 2 है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो डी की वैल्यू तो आपकी आपके पास ए की वैल्यू भी आ जाएगी,
तो आप करोगे D इज इक्वल टू टू पुट इन इक्वेशन फर्स्ट. आप या तो इस इक्वेशन में रख सकते हो D की वैल्यू, आप या इसमें रख सकते हो सेकंड इक्वेशन में, दोनों से सेम वैल्यू आंसर आएगा आपका. तो आपका क्या है, फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 6d इक्वल टू 14. तो आपका 2a प्लस 6 इनटू d की वैल्यू क्या 2 इज इक्वल टू 14. 2a प्लस 6 टू द 12 इज इक्वल टू 14. 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12. 2a इज इक्वल टू 14 माइनस 12 2a इज इक्वल टू 2 बाय 2. दैट मीन्स a की वैल्यू आ गई आपके पास 1. a इज इक्वल टू 1. a की वैल्यू भी आपके पास और d की वैल्यू भी आपके पास निकल गई. आपको निकालना क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. n टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है. तो Sn, n की वैल्यू n ही रहेगी, n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n by 2 into a की वैल्यू क्या है 1, 2 into 1 plus n minus 1 into d की वैल्यू क्या है, आपके पास d की वैल्यू है 2 जो ये फाइंड आउट की थी नीचे, तो आ जाएगी आपकी 2. n by 2 into 2, 2 by 2 plus 2 के अंदर मल्टीप्लाई 2n minus 2, 2 के n के साथ मल्टीप्लाई हुई, फिर 2 की माइनस 1 के साथ माइनस 2. ठीक है, ये प्लस का 2 है और ये माइनस का 2 है, कैंसिल आउट हो गया. अंदर क्या बच गया आपका, n by 2 into 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, n into n, n square. तो sum of n terms आपका क्या आ गया, Sn is equal to n square. ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, इस क्वेश्चन में आप लोगों को मेन क्या गया गिवन था, बस आपको सम गिवन था और फॉर्मूले में रख दिया आपको सम वाले फॉर्मूले में, और उसके बाद क्या किया, बस इक्वेशन सोल्व करते चले गए. यहाँ पे जाके आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया और क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया. सम ऑफ एन टर्म्स आ गया आपका एन स्क्वायर. तो इसका आंसर है एन स्क्वायर.